विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 15 मानचित्र का अर्थ और प्रकार के बारे में प्रथम भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले मानचित्र की क्या भूमिका है इसके बारे में जानकारी बात करेंगे। जैसे हम किसी विदेशी स्थल पर विदेश में जाते हैं, या किसी ऐसे पर्यटन स्थल पर जाते हैं, या कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में पर्यटन स्थलों की मुलाकात लेता है, प्रवास पर आता है, तो यदि उस प्रदेश की भौगोलिक जानकारी हमें ना हो, हम उस क्षेत्र से बिल्कुल अनजान हों, फिर भी यदि उस प्रदेश का मानचित्र हमारे पास हो, तो हम पर्यटन के उद्देश्य को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्यटन के अलावा भी अन्य उद्देश्यों को सिद्ध करने में भी मानचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी मित्रों, मानचित्र का महत्व क्या है, क्यों मानचित्र की उपयोगिता ज़्यादा है? क्योंकि भूगोल विषय के अध्ययन का आधार मानचित्र ही है। मानचित्र के बिना भूगोल विषय का अध्ययन बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व के जितने देश हैं, वहाँ के भौगोलिक अध्ययन के लिए उन देशों के द्वारा अलग अलग प्रकार के मानचित्रों का उपयोग करके वहाँ की भौगोलिक जानकारी प्राप्त की जाती है। पृथ्वी पर आए हुए जितने स्थान हैं, यदि उन सभी स्थानों का तुलनात्मक या प्रत्यक्ष भौगोलिक अध्ययन करना है, तो नक्शे के द्वारा ही संभव है, मानचित्र के द्वारा ही संभव है। अर्थात मानचित्र एक ऐसा साधन है जो सभी स्थानों के बारे में, सभी जगह के बारे में व्यवस्थित जानकारी हमें प्रदान करता है। इसीलिए भूगोल के जो अध्ययनकर्ता हैं, उनके लिए मानचित्र विश्व की संपूर्ण जानकारी देने वाला माध्यम है। मानचित्रों में जो पृथ्वी की सतह पर की जो भी जानकारी है, उन सभी जानकारियों का आलेखन, प्रदर्शन भली भांति सरलतापूर्वक किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर के जो भी प्राकृतिक तत्व हैं, चाहे वे पर्वत हों, नदी हों, मैदान हों, पठार हों, सरोवर हों, वनस्पति या समुद्र हों, तथा इसके अलावा जो भी सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे जनसंख्या, परिवहन मार्ग, उद्योग, कृषि, सिंचाई, दूरसंचार आदि, इन सब की जानकारी मानचित्र के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। और मानचित्र बनाते समय ये सभी जानकारियाँ व्यवस्थित ढंग से शुद्धतापूर्वक हम उस पर दर्शा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसमें मानचित्र का निर्माण बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। भूगोल की एक विशिष्ट शाखा मानचित्र विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहते हैं, जो मानचित्र निर्माण का गहराई से, बारीकी से अध्ययन करती है। मानचित्र जो है नक्शा, केवल पर्यटकों के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि तीनों सेनाओं के लिए, जल थल नभ, व्यापारियों के लिए, परिवहन चालकों के लिए, औद्योगिक इकाइयों के स्थापक और सामान्य जन समाज को भी मानचित्र उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके लिए मानचित्रों की भाषा या उसकी लिपि का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद ये तो मानचित्रों का महत्व हुआ, मानचित्र का अर्थ क्या है, मानचित्र कहते किसे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो मानचित्र शब्द है, ये अंग्रेजी का पर्याय शब्द है। मानचित्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय है, अंग्रेजी में इसको मैप कहते हैं। और मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मैप्पा मुंडी से अपभ्रंश होकर मैप शब्द बना है। मैप शब्द का अर्थ होता है
हाथ में रख सकें कपड़े का ऐसा टुकड़ा। सर्वप्रथम मिकोन नामक पादरी ने मप्पा मुंडी शब्द का प्रयोग शुरू किया था। सामान्य अर्थ में मानचित्र अर्थात वक्राकार भू सतह अथवा उसके किसी एक भाग का अवकाश से देखने पर दिखाई देने वाला छोटे प्रमाण का सांकेतिक आलेखन मानचित्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा है कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसकी वक्राकार सतह का समतल कागज के ऊपर प्रमाण माप की सहायता से किया गया आलेखन नक्शा कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। अंग्रेजी में परिभाषा है मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू द स्केल। भूगोल में मानचित्र अधिकांशतः भू सतह के किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए तैयार किए जाते हैं। मानचित्र जिस माप के कद के हों उनकी अपेक्षा अनेक गुना अधिक क्षेत्र वाले प्रदेश की जानकारी का समावेश करते हैं। मानचित्र की एक व्याख्या नीचे दी गई है, इसको देखिए कि मानचित्र यह पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग का ऊपर से देखने पर दिखाई पड़ने वाला छोटे माप का चित्रित किया गया सांकेतिक आलेखन है। अथवा मानचित्र अर्थात वक्राकार पृथ्वी की समग्र सतह अथवा उसके किसी एक भाग का ऊपर से देखने पर दिखने वाला विशिष्ट मापक प्रक्षेप पद्धति और रूढ़ संकेतों द्वारा सतह पर तैयार किया गया सांकेतिक चित्र है। मानचित्र समतल कागज, कपड़े, प्लास्टिक, फिल्म पट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि सभी पर तैयार किया जाता है और विशिष्ट मानक रूढ़ संकेत और विविध प्रक्षेप मानचित्र रचना के मुख्य अंग हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो मानचित्र की परिभाषा हुई। अब मानचित्र के प्रकार कितने हैं? अनेक अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। इसमें मानचित्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे मानचित्रावली जिसको मैट्रस बोलते हैं, दीवार पर टांगे जाने वाले लटकाने वाले मानचित्र, समाचार पत्र या किताबों के मानचित्र, भूमि मापन या अवकाश के मानचित्र। तो मानचित्रों में दर्शाए जाने वाले मापक तथा मानचित्रों के विशेष उद्देश्यों के आधार पर मानचित्र के दो प्रकार किए गए हैं। एक है मापक के आधार पर मानचित्र और दूसरा है उद्देश्य या उपयोग के आधार पर मानचित्र। तो मानचित्र के जो प्रकार हैं, मापक के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, छोटे माप के मानचित्र और दूसरा है बड़े माप के मानचित्र। तो छोटे माप के मानचित्रों में मानचित्रावली जिसको हम एटलस बोलते हैं और दीवार पर टांगने वाले मानचित्र वॉल मैप्स, ये छोटे माप के मानचित्र हैं। और बड़े माप के मानचित्र में स्थलाकृति मानचित्र, टोपोशीट्स, भू स्वामित्व के मानचित्र और तीसरा है सर्वेक्षण मानचित्र, सर्वे मैप्स। और उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक मानचित्र और दूसरा है सांस्कृतिक मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र वो मानचित्र है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठीय मानचित्र, भूस्तर मानचित्र, मौसम और जलवायुक मानचित्र, भूमि मानचित्र, प्राकृतिक संसाधन मानचित्र, प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र, वन्य जीव संसाधन मानचित्र, जल क्षेत्रीय मानचित्र आदि। और सांस्कृतिक मानचित्र के अंतर्गत कृषि विषयक मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र, परिवहन मानचित्र, जनसंख्या विषयक मानचित्र, सैन्य आयोजन मानचित्र, वस्ती मानचित्र, राजकीय मानचित्र, अवकाशीय मानचित्र आदि, ये सांस्कृतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसमें से एक एक के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे कि मापक पर जो आधारित मानचित्र हैं इसके दो प्रकार हैं, छोटे मापक के मानचित्र और बड़े मापक के मानचित्र। तो यदि हमारे पास दो मानचित्र हों, एक मानचित्र का मापक 1 cm/50 km हो और दूसरे मानचित्र का मापक 1 cm/100 km हो, दोनों मानचित्रों के मापकों की तुलना करनी हो, जिस मानचित्र के मापक के
भाग का अंक अर्थात भूमि का अंतर दर्शाने वाला अंक छोटा हो वो बड़े माप का मानचित्र कहलाता है, और जिस मानचित्र में यही अंक बड़ा हो उसे छोटे माप का मानचित्र कहते हैं। तो बड़े माप के मानचित्र में पृथ्वी की सतह के मर्यादित परंतु छोटे क्षेत्र को अधिक जानकारी के साथ दर्शाया जाता है, जैसे नगर, गांव, तहसील, जिला आदि के मानचित्र इस प्रकार के मानचित्र होते हैं। और छोटे माप के मानचित्रों में पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को छोटे माप में दर्शाया जाता है, अर्थात अलग अलग देश या भूखंडों के मानचित्र इस प्रकार के होते हैं, जैसे एटलस और दीवारों पर के मानचित्र इस प्रकार के मानचित्र माने जाते हैं। दूसरा है उद्देश्य पर आधारित मानचित्र। उद्देश्य पर आधारित मानचित्रों में इस प्रकार के मानचित्र आवश्यक जानकारी के आधार पर, उद्देश्य या उपयोगिता के आधार पर बनाए जाते हैं, और इसके दो भाग हैं, एक है प्राकृतिक मानचित्र और दूसरा सांस्कृतिक मानचित्र। तो प्राकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं कि वह मानचित्र जिस पर प्राकृतिक तत्वों को या प्राकृतिक विघटनों को दर्शाया जाता है, ऐसे मानचित्र को हम प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे भूपृष्ठ का मानचित्र जो है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, जल परिवाह आदि को दर्शाया जाता है। मौसम संबंधी मानचित्र जिसमें मौसम के तत्व, तापमान, हवाएं, वातावरण का दबाव, आर्द्रता आदि की स्थिति। जलवायु से संबंधित मानचित्र में जलवायु के तत्व, तापमान, वर्षा, हवाएं, वातावरणीय दबाव आदि चीज़ें। और भूमि मानचित्र जिसमें भूमि की लाक्षणिकताएं, भूमि के प्रकार, उपयोग, भूमि का वितरण। वन्य जीवों के मानचित्र जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आदि चीज़ों को दर्शाया जाता है, ऐसे मानचित्र प्राकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। इनके अलावा खनिज, वनस्पति, घास के क्षेत्र, जल प्रवाह अर्थात नदियाँ आदि प्राकृतिक संसाधन दर्शाने वाले भूस्तरीय संरचना, सामुद्रिक जल क्षेत्र, खगोलीय जानकारी आदि दर्शाने वाले मानचित्रों को प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा प्रकार है सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र जिसको मानव सर्जित मानचित्र भी कहा जाता है, जिसमें मानव सर्जित जानकारियों का आलेखन किया जाता है। मनुष्य अपनी विविध आर्थिक प्रवृत्तियों के उद्देश्य से इस प्रकार के मानचित्र में विशेष रूप से उपयोग करता है। जैसे उसकी आर्थिक प्रवृत्तियों में खेती है, परिवहन मार्ग है, औद्योगिक केंद्र हैं, नगर हैं, बंदरगाह हैं, देश के राजकीय विभाग हैं, राज्यों की राजधानियां हैं, गांव है, बस्ती है आदि जानकारियों को सांस्कृतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। मानव सर्जित तत्वों के आधार पर इस प्रकार के सांस्कृतिक मानचित्र जिसमें खेती विषयक, औद्योगिक मानचित्र, जनसंख्या विषयक मानचित्र आदि तैयार किए जाते हैं। और वर्तमान समय में कृत्रिम उपग्रह द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हम कंप्यूटर की आधुनिक तकनीक का उपयोग करके और अधिक शुद्धता वाले सैटेलाइट मानचित्र अर्थात उपग्रह मानचित्र तैयार किए जाने लगे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने नोट्स में लिखना। धन्यवाद।